गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ में विषय पढ़ेंगे हम हिंदी। हिंदी के विषय का जो टॉपिक है, जो पाठ का जो नाम है, वह है रूप बड़ा या गुण। इसमें रूप बड़ा या गुण का मतलब है यहाँ पे जैसे किसी के जो बाहरी आवरण है उसको देखकर आकर्षित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं जो बाहर से जो चीज़ सुंदर है वो अंदर से उतनी ही सुंदर उतनी ही गुणी होती है। ऐसा भी होता है कि जो बाहर से अच्छा नहीं होता वो अंदर से उसके जो गुण है वो अच्छे भी होते हैं। इसी तरीके से इसमें जो पाठ है, पाठ में विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और एक तरफ है कालिदास। कालिदास विक्रमादित्य अद्भुत सुंदरता के गुण के धनी थे, उतने ही कालिदास उस गुणों में बिल्कुल कम थे। इसी तरीके से इस पाठ में इस बारे में बताया गया है कि यहाँ पे रूप बड़ा होता है या गुण बड़ा होता है। चलो आज हम पाठ को पढ़ते हैं। बाह्य सुंदरता से अधिक महत्व आंतरिक सुंदरता का होता है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ बाहर से सुंदर रहती है वो अंदर से भी सुंदर हो। तो बाहरी सुंदरता को नहीं देख के अपने को उसके सामने वाले के आंतरिक गुणों को देखना चाहिए, उनके गुणों को देखना चाहिए कि उसमें अंदर कितने गुण होते हैं। आंतरिक गुणों से संपन्न व्यक्ति मुखमंडल आकर्षक होते हुए भी सर्वत्र पूजा जाता है। मतलब जो बाहर से जो आंतरिक गुणों से जिसका आंतरिक गुण अच्छे होते हैं, जो अंदर से अच्छा इंसान होता है, वो इतना आकर्षक नहीं होता कि सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर सके, लेकिन फिर भी वह सब जगह पूजा जाता है। यह पाठ भी आंतरिक सुंदरता को दर्शाता है। मतलब उसके आंतरिक सुंदरता कितने अंदर है, उसकी कौन कौन से गुण छुपे हुए हैं उसके अंदर, उसके बारे में दर्शाता था। गर्मियों के दिन थे, राजा और संस्कृत के महाकवि कालिदास साथ में बैठे थे। कौन कौन बैठे हुए थे? एक तो राजा और संस्कृत के महाकवि कालिदास बैठे होते हैं। उज्जैन के महाराजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कालिदास से बोला कि आप मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे रचना के रचयिता हैं। ये सब रचना किसने की थी? कालिदास ने। कौन कौन सी? मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे बड़ी बड़ी जो महान रचनाएं वो कालिदास ने की थी। दोनों ही पसीने से लथपथ थे। पास में मिट्टी की एक सुराही रखी थी। सुराही का मीन्स होता है एक मटके जैसी होती है जिसमें पानी भरा जाता है, जिसमें पानी ठंडा रखा जाता है, जिससे वह दोनों बार बार पानी पी रहे थे। मतलब गर्मियों के दिन थे, इस वजह से सुराही में से बार बार एक ही सुराही में से पानी पी रहे थे। राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य परम सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी थे। मतलब चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे बहुत ज़्यादा सुंदर थे, वहीं कालिदास उतने ही कुरूप थे और बिल्कुल अपोजिट थे। जितने वो सुंदर थे वही कालिदास उतने ही कुरूप थे, मतलब इतने सुंदर नहीं थे वो। चंद्रगुप्त का कालिदास के प्रति व्यवहार मित्रवत्ता, वो दोनों एक दूसरे से दोस्त मतलब मित्र बने रहते थे, एक दूसरे को हमेशा चिढ़ाते रहते थे। वे कालिदास से बोले, महाकवि इसमें संदेह नहीं है कि आप विद्वान हैं, कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप विद्वान हैं। यदि आपको ईश्वर ने सुंदर रूप दिया होता तो कितना अच्छा होता। अगर आपको ईश्वर ने इससे ज़्यादा सुंदर रूप दिया होता तो कितना अच्छा होता। कालिदास ने बोला, आंतरिक सुंदरता देखिए, कि मेरे अंदर के गुणों को देखिए महाराज, मेरे बाहर की सुंदरता को मत देखिए महाराज। बाह्य नहीं, मतलब जो बाहर की जो सुंदरता है वो मत देखिए, मेरे आंतरिक जो गुण हैं उनको देखिए। कालिदास घर चला जाता है। इतना कह के कालिदास क्या होता है? घर चला जाता है। दूसरे दिन मिट्टी की सुराही की जगह सोने की सुराही रख दी जाती। मतलब किसी को भी पता नहीं होता है कि यहाँ पे मिट्टी की सुराही की जगह सोने की सुराही है, जिसमें उबलता हुआ गर्म पानी रखा जाता है। मिट्टी की सुराही में ठंडा रहता था पानी, और जो सोने की सुराही थी उसमें कैसा रहता था पानी? एकदम गर्म रखा जाता था। जैसे ही महाराज पानी पीने लगे तो पानी बहुत गर्म था। कैसा था? बहुत ज़्यादा गर्म था। राजा चिल्लाया कि किस बेवकूफ ने इसमें गर्म पानी भरा है? मतलब कौन सा ऐसे बेवकूफ है जिसने मेरे पास आके गर्म पानी भर दिया है? कालिदास पास में आए और बोले, मैं ही वह बेवकूफ हूँ महाराज, जिसने जैसे ही कालिदास ने सुराही से कपड़ा हटाया तो सब देखते रह गए कि सोने की सुराही कैसे आ गई। यहाँ तो मिट्टी की सुराही रहती थी, और सुराही में मतलब सोने की सुराही में कोई पानी पीता है क्या? सबने यह सोचा कि मिट्टी की जगह सोने की सुराही क्यों रखी। सब अचंभे में पड़ गए कि इतने सोने की सुराही रखने की कहाँ जरूरत थी यहाँ पे। कालिदास ने जवाब दिया, महाराज आप बाहरी सुंदरता के लिए ही सोने की सुराही में पानी नहीं पी रहे। मतलब उसके बाहर का जो आकर्षण था उसको देखकर आप सोने की सुराही में पानी नहीं पी रहे हैं। मैंने सोचा सुंदरता के पुजारी, मतलब विक्रमादित्य बहुत ज़्यादा सुंदर थे, कि इतने सुंदरता के जो पुजारी थे उसके पास ये भद्दी सुराही किस बेवकूफ ने रखवा दी। मतलब जो भद्दी सुराही थे वो किसने रखवा दी, इसलिए उसे हटाकर
मैंने शुद्ध सोने की यह सुंदर सुराही रख दी है। कैसी सुराही रख दी? मैंने शुद्ध और सोने की सुराही रख दी है। राजा महाकवि व्यंग्य समझ गए और महाकवि से क्षमा मांगी। उसने वहाँ समझ गया कि मैंने कालिदास का बहुत मजाक बनाया, इस वजह से वहाँ उन्होंने क्षमा मांगी। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया किसी की बाहरी सुंदरता न देख के अपने को आंतरिक गुणों को देखना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसका जो वर्क है, जो अभ्यास है, वो आपको नोटबुक में करना है।